खबर गाजीपुर जखनिया से, जहां हथियारा मठ पर 26 पीठाधीशर महामंडलेश्वर स्वामी भवानी नंदन यति जी महाराज के पीठाधीशर पद पर आसीन होने के 25 वर्ष पूरे होने पर 3 दिवसीय रजत जयंती समारोह का शुभारंभ पंचांग पूजन देव भगवान गणेश अथर्व के साथ शुरू हुआ, जिसमें काशी के प्रकोष्ठ वैदिक विद्वानों द्वारा यज्ञ व विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से शुरू किया गया। इस दौरान सामयिकार द्वादशी ज्योतिर्लिंग रुद्राभिषेक पूजन भी सम्पन्न किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा, हथियारा मठ विशेष तीर्थ है, जहां पहुंचकर धन्य हुआ। सर्किल रिपोर्टर से विशेष बातचीत में बताया कि किसान आंदोलन में हर व्यक्ति शामिल है, जो अनाज खाते हैं, समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन है। 2022 विधानसभा चुनाव में जनता बीजेपी को जड़ से सफाया करेगी। जनता से पास शासन अखिलेश यादव के विकास कार्यों को पूरा प्रदेश देखा है, इसी आधार पर 2022 में सपा का शासन होगा। इस मौके पर महामंडलेश्वर भवानी नंदन यति जंगी पूर्व विधायक वीरेंद्र यादव, पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सिंह, जिलाध्यक्ष रामधारी यादव, धीरेन्द्र श्रीवास्तव, अमीर अली, डॉक्टर विजय बहादुर, डॉक्टर रामवृक्ष यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस समारोह में भाग लेने के लिए सिद्ध पीठ पर श्रद्धालुओं का समूह उमड़ा हुआ था। उत्तराखंड समेत कई राज्य जिलों के लोग उक्त मौके पर मौजूद रहे। गाजीपुर जखनिया से सुरेश चंद्र पांडे की रिपोर्ट।